गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, इन दिनों हम सर्दियों के फूलों के गार्डन को तैयार कर रहे हैं, और ऐसे में क्रिसेमम की बात ना की जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। ये क्लिपिंग मेरे पिछले साल की है दोस्तों। काफ़ी हेवी फ्लावरिंग हुई थी और हर तरह के फ्लावर्स मैंने लगाए थे, और इस बार भी मैंने यही सोचा है। लेकिन सबसे ज़रूरी है कि हम अपने क्रिसेमम को विंटर के शुरुआत में ही इससे काफ़ी फ्लावरिंग ले सकें, और ऐसे तैयार कर सकें उनके पौधों को कि काफ़ी हेवी फ्लावरिंग करे। तो आज मैं क्रिसेमम की ही बात करूंगी, मैंने उनको कैसे तैयार किया है और अभी क्या रिक्वायरमेंट है उनके पौधों में देने के लिए। तो यही सब बातें मैं इस वीडियो में करूँगी, तो अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। मैं टिप्स भी बताऊँगी जो ज़रूरी है अभी इस समय, और खूब हेवी फ्लावरिंग के लिए हम क्या क्या करते हैं और क्या क्या फर्टिलाइज़र डालते हैं ये भी मैं बताऊंगी। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट भी ज़रूर लिखिएगा कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। तो ये मेरे क्रिसेंथेमम के कुछ पौधे हैं जो मैंने अपने कटिंग से लगाई थी। मैंने अगस्त में ही इसकी कटिंग लगाई थी, उसके बाद फिर मैंने रिपोर्ट किया, और अभी इस कंडीशन में है जिसमें बर्ड्स आने लगे हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, क्रिसेंथेमम में इन दिनों हम क्या क्या इसकी रिक्वायरमेंट है और हमें क्या करना चाहिए वही मैं इस वीडियो में दिखलाऊँगी। अभी क्रिसेंथेमम में ज़्यादातर लोगों के पास जो पौधे हैं उनमें बर्ड्स आने लगे हैं, कुछ की कलियां खिलने भी लगी हैं, लेकिन मेरे यहाँ अभी बर्ड्स आनी शुरू हुई है, किसी में छोटे बर्ड्स किसी में बड़े बर्ड्स। तो इनमें कुछ फर्टिलाइज़र ऐसे ऐड करने हैं जिससे फ्लावरिंग खूब अच्छी तरह से हो सके, कलियाँ ही ना रह जाएँ, खूब अच्छी फ्लावरिंग हो सके। तो उसके लिए मैंने क्रिसेंथेमम के गमले को कोड़ लिया है या उसकी मिट्टी को हल्की कर दी है, उसमें पोटास के कुछ दाने मैंने डाले हैं, करीब करीब 10-20 दाने। ये मेरा ऑर्गेनिक पोटास है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि मैं हमेशा ऑर्गेनिक गार्डनिंग करती हूँ, तो इसमें ज़्यादातर मैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ही डालती हूँ, और जितने भी नीचे के सूखे पत्ते हैं उसको भी हटाते जाएँ, क्योंकि अगर भींगे रहेंगे ये पत्ते तो इससे फंगस लगने का खतरा हमेशा बना रहता है। तो इसको भी हटाते जाएं गुड़ाई करने के बाद, और इस तरह से हमने करीब करीब 1 चम्मच पोटास के ग्रैनुअल्स है मेरे पास, ये ऑर्गेनिक पोटास जो मैंने अमेजन से मंगाए हैं, तो उसके ग्रैनुअल्स मैंने करीब करीब 1-1 चम्मच, ये 8 इंच का गमला है, इसमें मैं डालती जाऊंगी, और जितने भी बीड्स वगैरह हैं उसको भी निकालती जाऊँगी। तो इस तरह से ये करना बहुत ज़रूरी है अभी के समय में। और एक चीज़ मैं डालती हूँ इसमें, वो भी मैं बताऊंगी। पहले मैं हर गमले में मैंने 1-1 चम्मच पोटास डाल दिया है, और सारे गमले मेरे 8-8 इंच के हैं दोस्तों, और सारे मिट्टी के गमले हैं, तो इसमें इतनी ही रिक्वायरमेंट है पोटास की ताकि फ्लावरिंग अच्छे से हो सके। तो इस तरह से मैं सभी की गुड़ाई कर लूँगी और सभी में पोटास डाल दूँगी। और दूसरा एक बहुत ही ज़रूरी जो फर्टिलाइज़र है या सॉल्ट है, जिसको हम एप्सम सॉल्ट कहते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट, इसको भी मैं हमेशा ऐड करती हूँ। इसको मैंने पानी में घोल के ऐड किया है, करीब करीब 1 चम्मच 4 लीटर के बाल्टी में मैंने डाला है, और इसको अच्छे तरह से मिला लिया है दोस्तों, और इससे मैंने वाटरिंग कर दी है। एप्सम सॉल्ट जो है उसको, वो है जो जड़ों को ख़राब नहीं होने देता है, मतलब फंगस लगने नहीं देता है, और ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए ये फर्टिलाइज़र बहुत ही अच्छा है। इससे अच्छी कलियां बनेगी, अच्छे फूल आएंगे, फूलों के कलर अच्छे होंगे, फ्रूट वाले पौधे में फ्रूटिंग अच्छी होगी। तो ये बहुत ही बढ़िया एक सॉल्यूशन है, हो गया है मैग्नीशियम सल्फेट का और वाटर के साथ मिलके, और वाटर में बहुत अच्छे से डिज़ोल्व हो जाता है। तो करीब करीब इसमें 1-1 गिलास के करीब आधा आधा लीटर मैं ज़रूर इसमें डालूँगी। इस तरह से मैं सारे में डाल दूंगी। तो आप भी अपने क्रिसेंथेमम के पौधे में इस तरह से इन दो फर्टिलाइज़र को ज़रूर यूज़ करें, और रिज़ल्ट देखकर आप हैरान हो जाएंगे दोस्तों, क्योंकि बम्पर फ्लावरिंग होगी इसमें।
और क्रिसेंथेमम सर्दियों के शुरुआत से ही गार्डन को बहुत ही खूबसूरत बना देता है। इतने सारे फ्लावर आते हैं हजारों की संख्या में, तो पूरा गार्डन इससे बहुत ही खूबसूरत हो जाता है। हर कलर के फ्लावर इसमें खिलते हैं, छोटे छोटे बड़े और बटन साइज़ के, और खूब सारे ब्रांचेज में खूब सारी कलियां आने लगी हैं, तो फ्लावरिंग तो अच्छी होगी ही। ये देखिए, ये पिछले साल की क्लिपिंग है मेरी, तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप भी इस मेरे बताए हुए टिप्स को फॉलो करके अपने क्रिसेंथेमम को पौधे को फ्लावरिंग के लिए तैयार करेंगे। और आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो ज़रूर कमेंट करें कैसी लगी, और एक लाइक तो बनता ही है, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए दोस्तों। तो आज इस वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी गार्डनिंग, ओके, बाय बाय माई फ्रेंड्स।